आज हम बात करेंगे सानिया के रोड पक्का की। पिछले दिनों के रोड पक्का में हुआ डकैती का वाकया इंतहाई अफसोसकुन था, जिसमें मजदूर समेत दुकानदार बने जुल्म का निशाना। रोड पक्का बंदू मोड़ पर तीन डाकू असले से लैस आए और एक दुकान पर धावा बोल दिया, दुकान भी लूट ली और मालिक हक नवाज और ग्राहक अल्लाह वसाया को गोलियों से छल्ली करके शहीद कर दिया, जबकि हक नवाज का भतीजा जख्मी हो गया। इस कदर दरिंदगी पर पंजाब के आला हुकाम बेपरवाह रहे, ना आईजी पंजाब ने नोटिस लिया और ना ही उस्मान बुज़दार ने। क्या हक नवाज का कसूर सिर्फ इतना है कि वो जनूबी पंजाब में रहता है, इसलिए इसको इंसाफ मिलना इतना मुश्किल है? अगर ये वाकया लाहौर या अपर पंजाब में हुआ होता तो पाकिस्तानी मीडिया, उस्मान बुज़दार, वजीर आजम सब जाग जाते, लेकिन ये मामला तो जनूबी पंजाब का है, इसलिए मामले पर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। ताजर बिरादरी ने एक दिन हड़ताल तो की, लेकिन नतीजा सिफर। DPO करार हुसैन ने लवाहिकीन को तसलियाँ तो बहुत दी, मगर करने के लिए उनके पास भी कुछ नहीं। इतने दिन गुजर गए, लेकिन पुलिस की पहुंच से डाकू बाहर। आखिर कब मिलेगा इंसाफ? आखिर कब मिलेंगे जनूबी पंजाब के लोगों को उनके हकूक? कौन दिलाएगा जनूबी पंजाब के लोगों को इंसाफ? कौन बनेगा जनूबी पंजाब के लोगों की आवाज़? कब मिलेगा हक नवाज जैसे मासूम लोगों को इंसाफ? आखिर कब?